वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। आज की सुबह इतनी खूबसूरत है, इतनी म्यूजिकल है जितनी शायद हर सुबह नहीं होती। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने सोचा कि कुछ गाने सुने जाएं। मैं गाने सुन रही थी, फिर जब मैं हमारे स्टूडियो में आई वहाँ भी कुछ गाने चल रहे थे, वहाँ भी सब जो है वो बड़े मौज मस्ती के मूड में थे, रेसिपी लगा रहे थे हमारे प्रेप शेफ माजिद भाई, साथ साथ जो है वो एंजॉय कर रहे थे। क्यों भला? क्योंकि मैं आपको वो गाने बताने वाली हूँ जो हमने सुबह सुबह सुने और इन्जॉय किए। तब आप रीज़न जानेंगे और तब आप गेस कर पाएंगे कि आज के शो में कौन आने वाले हैं। सो जो एक गाना मैंने सुना वो पहला गाना था देखा ना था कभी हमने ये समा, फिर मैंने सुना अलबेला राही, और फिर मैंने सुना कह देना आँखों से। समझ नहीं गए तो फिर जो है ना वो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रही हैं। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ हमारे लिविंग लेजेंड की, जिन्होंने पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। ही इज़ द पायनियर। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिनका नाम बच्चे बच्चे को पता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो। हम बात कर रहे हैं आलमगीर की। और तमाम लोग जानते हैं कि ये US में रहते हैं और जब जब ये पाकिस्तान आते हैं तो फिर ये आपको डिफरेंट जगहों पे दिखाई देते हैं, बिकॉज ही इज़ द लिविंग लेजेंड। वी एब्सोल्युटली लव हिम। सो आज के शो में आप देखेंगे आलमगीर हमारे साथ होंगे, और जो जो भी हमारे अमेजिंग आलमगीर हक के फ़ैन हैं शो में आप हमें कॉल्स करेंगे और आप इनसे सवाल करेंगे जो भी आपके दिल में आए। इसके साथ साथ खाने में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि खाने में क्या है, मैं इस पूरे वीक हमारी पुरजोर फरमाइश पे हमारी टीम की हम मना रहे हैं पराठा वीक। तो आज हम मनाएंगे मूली के पराठे और साथ में हम जो है वो बनाएंगे रायता, जो कि होगा बैंगन का रायता। और इसके साथ साथ मसाला टीवी पे एक नया शो स्टार्ट हो रहा है विच इज़ ईट राइट विद हमजा, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं, हमजा से मिलवाने वाली हैं। और साथ साथ इन्फोटेनमेंट तो चलती है, तो भरते हैं इन्फोटेनमेंट की जानिब, जिसमें पहली न्यूज़ हमारी ये है कि हुज़ैफ़ा जमील, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनको ग्लोबल अवार्ड मिला है फॉर अर्निंग द हाइस्ट स्कोर वर्ल्ड वाइड इन ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR पेपर, जो कि हमारे लिए एक फ़ख्र की एजाज़ की बात है। बिकॉज आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हों, हुज़ैफ़ा ने हमारा नाम रोशन किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि हुज़ैफ़ा जो हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं, और इनकी स्किल्स, इनकी एबिलिटी, इनके कॉम्पिटेंसी के लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। एंड आई एम श्योर कि आपके जो पेरेंट्स हैं दे वुड बी सो प्राउड टू हैव यू। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड न्यूज़ है, हम अमूमन अपने शो के थ्रू बात कर रहे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या फिर क्लाइमेट चेंज की। तो दुबई ने एक ऐसा एक्शन लिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो तमाम लोग जो कि इस फील्ड में कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग की तलाश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुबई ट्रेन करने वाला है 10,000 यूथ को, यानी कि यंगस्टर्स को 10,000 टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड गेट ग्रीन जॉब्स। इसका नाम होगा ग्रीन जॉब, और इसकी जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो बेसिकली ये एक मेंटोरिंग प्रोग्राम होगा, और इसके थ्रू ये होगा कि पहले तो ऑफकोर्स आप सीखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके बाद आपकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी एंड उसके बाद आप एक जॉब हासिल करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखेंगे, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये हमारा प्लानेट है, ये हमारी सरजमीन है, इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो वो तमाम लोग जो कि चाहते हैं कि इस तरह की किसी फील्ड में जॉब हासिल की जाए, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो पता है, जब मैं आलमगीर के बारे में सोचती हूँ ना तो इतने सारे सवाल माइंड में आते हैं। आप लोगों ने वो तमाम सवाल जो है ना वो माइंड में रखने हैं, और जब आप हमें कॉल करेंगे हमारे काम की बात की सेगमेंट में, तो उसमें हमारे जो ग्रेट सुपरस्टार, द पॉप सिंगर, द लिविंग लेजेंड आलमगीर जब यहाँ पे होंगे तो वो आपके सवालात के जवाबात देंगे। और जो आपके पसंदीदा गाने हैं आलमगीर के, कॉल करें, फरमाइश करें। मैं चाहती हूँ कि वो आज इस शो में अपने सारे फेवरेट और सारे हिट सॉन्ग्स जो है वो गा कर यहाँ से जाएं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी ज़्यादा फरमाइशें करते हैं। अब टाइम है ब्रेक पर जाने का,
जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आते ही मूली के पराठे बनाने स्टार्ट कर देंगे। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है ना वो वापस आ जाती हैं दो चीज़ों से, एक तो मूली के पराठे से जो मेरी मदर बनाती हैं और बनाती थीं ज़्यादा, और इसके अलावा आलमगीर के सॉन्ग से। सो जनाब ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आइए, फिर करते हैं आपसे मुलाकात।